नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है घोस्ट ऑफ सुशीमा में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और इसके 22वें एपिसोड में भी आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। दरअसल इसको आज जल्दी डालने का मेन पर्पज ये है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा है, मुझे ये खेलना है, क्योंकि आने वाली जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। तो जल्दी से इस गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं वहीं पर जहाँ से हमने गेम छोड़ा था, और हमें मेनली अभी उस कैसल पे चढ़ना है, मतलब वहाँ पे जाना है। वहाँ पे रूजो के आदमी कैद हो रखे हैं, और रूजो इसी बात से परेशान है क्योंकि उस कैसल के गेट पर इतने बंदे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता, हम हार ही जाएंगे। तो रूजो ये कह रहा है यार वहाँ पे किसी ना किसी दूसरे तरीके से जाना होगा, लेकिन जाएंगे कैसे। तो वहीं पे जिन कह रहा है कि यार मैं इसके ऊपर दीवार पे चढ़ के चला जाऊंगा, तो रूजो कह रहा है यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतने ऊंचे पे कैसे चढ़ सकते हो। ओह, ये कह रहा है कि तुम आधे बंदर हो गया जो उसके ऊपर चढ़ जाओगे। अच्छा, once they're with me I'll set off one of the alarms, that's your signal to ride in and crush the Mongols between us. See, I knew you'd have a plan. चलो, इसको पता नहीं है कि हमारे पास ऐसी क्या चीज है। I'll find a way up the cliff on this side, stay hidden until you see my signal, good luck, don't fall. लेकिन हमारे पास है एक मस्त चीज, मैं बताना चाहूंगा। अच्छा चलो, हमें रूजो को सिग्नल देना है ऊपर पहुंचते ही, लेकिन रूजो अभी भी कंफ्यूजन में है कि हम ऊपर पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि वहां तक कोई चढ़ ही नहीं सकता। लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारे पास आ चुका है डोरेमोन का गैजेट। चलो, इस डोरेमोन के गैजेट को आज यूज़ किया जाएगा। मेरे को सब्र नहीं हो रहा यार, जंप करना है और फिर R2 दबाना है। तो स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3। क्या बात, अरे भाई पहली स्टार्टिंग ही गलत हो गई, अंदर से वो बाहर आने वाला था। रुको रुको, आएगा आएगा आएगा, रुको, रेडी स्टडी गो। स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरा दिल का चैन। चलो अगला वाला, यस, मजा आ गया भाई, सही में मजा आ गया। चलो अब उस पर कैसे चढ़ना है वैसे ही, ठीक है भाई साहब। सच में मैं इस एपिसोड के लिए पागल था, मुझे इसलिए एपिसोड डालना पड़ा है। हालांकि अभी 16 लाइक्स ही हुए हैं, लेकिन मैं अभी ये बना रहा हूँ, हो सकता है आगे बढ़ जाएं, इसलिए मैं पहले ही ये वीडियो बना ले रहा हूँ। चलो यहाँ से जाना है अंदर, भाई रूजो को बचाना, और सॉरी रूजो के आदमियों को बचाना होगा। अगर मुश्किल पड़ी तो और रूजो को भी बचाना पड़े शायद, क्योंकि जितनी बार वो मार खाता है ना, मुझे तो नहीं लगता वो हमारे किसी काम का है। चलो यहाँ से लंबी जंप लगानी होगी, काफ़ी ज़्यादा लंबा कूदना है, और बच गए, लेकिन डैमेज तो ले गए यार। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3, ये इस बार बिना डैमेज के, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, कोई डैमेज नहीं हुआ। अगली बारी, 1 2, चलो फाइनली। अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है, मेरे लिए हमें अभी रास्ता ढूंढना है कहाँ कहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे नहीं जाना है, सामने, ओह इस बार ज़्यादा अच्छा है, देखो मैं दिखाता हूँ, 1 2 3, 1 2, यस, क्या मज़ेदार चीज़ है यार। चलो पहले जंप करना है, फिर रस्सी, फिर यहाँ से चढ़ना है, फिर एक और चढ़ना है। यार ये चढ़ने में माहिर है यार, सच में ये चढ़ गया, सच में आधा बंदर है। तो फाइनली हम यहाँ पर किले तक पहुँच चुके हैं, और सामने मुझे दुश्मन भी दिख गया है, तो मुझे लगता है कि इसको एक अलग तरीके से मारना चाहिए। तो आप रेडी हो, ये देखो 1 एंड 2 में ये किल। चलो आसपास देख लेते हैं, कोई है तो नहीं, वापस चलते हैं शायद इस रस्सी पे दोबारा। अरे भाई कोई ऑप्शन ही नहीं आया, ये तो चीटिंग है, बट जितना है कोशिश करेंगे कि ऊपर ही रहे, तो नीचे मंगोल बड़ी इजीली देख लेंगे, सामने दीवार। ओ अरे यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे लगता है यहाँ किले पे चढ़ने के बाद मेरी पनौती चालू हो गई है।
मुझे देखना होगा यहाँ आसपास। ओह एक 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 बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है। इसको मुझे पता है कैसे मारना है। चलो ऊपर चढ़ते हैं। चलो आजा 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 आजा, मेरे पास आ मेरे पास आ। चलो इसका भी काम तमाम हो गया। ऊपर ही रहेंगे और इस बार दोबारा कोशिश करेंगे। इस बार अच्छी जंप लगेगी आई थिंक। इस बार पकड़ा ना अच्छे से। आसपास देख लेते हैं कोई है क्या। ओ बंदा है, एक बंदा है। ये यहाँ पे आ नहीं रहा है। रुको मेरे पास एक वेपन था ना, सॉरी एक टूल था रहा, विंड चार्म करके एक था ना, कहाँ है ये रहा। हाँ विंड चार्म। अच्छा वो उधर जा रहा है, इधर आ भाई इधर आ, पास में आ। ये कब यूज आएगा। गया। चलो कोई गाना गा रहा है यार। अरे यार जंप में क्या हो गया है, नशे की हालत में हो गया हूँ ऐसा लग रहा है। सामने देखता हूँ, गाने की आवाज़ वहाँ से आ रही है। वो सामने मंगोल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं यार, तीन मंगोल्स हैं वहाँ पे। यानी कि ऊपर से ही जाना होगा। इसके ऊपर चढ़ के दोबारा देखता हूँ, फिर यहाँ पे चढ़ता हूँ। ठीक है अब यहाँ से रस्सी फेंक के और यहाँ आ गए। ठीक है परफेक्ट। सेंस करना होगा आसपास क्या है, कितने बंदे हैं। आवाज, ओ भाई एक भालू है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आसपास बंदे कहाँ चले गए। इसके इसके मेरे पास एक प्लान है। हाँ रुको, ये भालू को आज़ाद कर दिया। ओ देख लिया इसने, अब भालू से लड़ेगा, अब आएगा मज़ा। ओ भाई मोटा वाला आ रहा है, मोटा वाला। अरे भाई धमाके वाला बंदा भी है यहाँ पे। या भालू नहीं बचेगा अब, मुझे लगा कि ये लोग नहीं बचेंगे, अब भालू नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये अपर लेवल के बंदे हैं। देखो एक तो वो मोटा वाला, एक वो धमाके वाला। ओ भाई साहब ये हो क्या रहा है। अरे उसके खुद के बंदे को डैमेज हो रहा है। ठीक है भालू तो बच गया, वो मोटा वाला उस भालू के पीछे पड़ा। ओ तेरी, मार दिया मार दिया मार दिया भालू मार दिया। रुक जाओ ये मधुमक्खी से मरेगा, ये वाला तो मरेगा ही मरेगा। ठीक है उसको डैमेज हो गया। भालू शायद मारा गया, सच में मारा गया, उस मोटे ने मार दिया यार सच में। देखो कैसे हिल रहे हैं, डैमेज तो बहुत कम है उसका, यानी कि हम इजीली मार सकते हैं। तो चलो क्यों ना वहीं पे चला जाए। अरे भाई गलती कर दी, अरे तेरी, और डैमेज पे डैमेज। थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, बंदों को ढूंढना होगा। अच्छा ये गाना गा तो रहे हैं। ये क्या कैसेट सी फेंक दी थी। चलो कोई बात नहीं, और बंदों को रिहा कराना है। एक मंगोल जा रहा है सामने से, इसके पीछे चलते हैं। अरे यार देख लिया इसने, लेकिन कोई बात नहीं, इसको साउंड नहीं करने देंगे। पता नहीं क्या बोलता है ये मंगोली। अभी और बंदे गाना गा रहे हैं, इस बंदे को किल करने चलते पहले। खत्म, यहाँ पे इसका खेम खत्म। ओह किसी ने देख लिया लगता है। अरे भाई वो मुझे देख के नहीं, लाश को देख के आया है। रुक जाओ इसको तो निपटाना पड़ेगा वरना ये हल्ला कर देगा। ओ मोटे ने देख लिया, मोटे ने देख लिया। अरे तेरी, अरे तेरी भाई क्या है, आज आज का दिन खराब है क्या। ये तो मार गया, ठीक है इधर आ। ये बगल वाला बंदा हंस रहा है। सामने और बंदे हैं, कोई बात नहीं झेल लेंगे। अरे भाई लीडर भी है यहाँ पे तो। अरे भाई ये यार डैमेज इनको इतनी जल्दी होता नहीं है। रुक जा, ओ भाई डैमेज। चलो ये तो गया, लीडर को मैं खत्म करता हूँ।
ये गया लीडर। चलो बहुत बढ़िया। आजा 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 आजा, तेरा ही बेटा, तेरा ही बेटा। एक दो तीन चार पांच छः। तेरी मारा। अरे भाई क्या कर क्या रहा है? रुक जा, तेरे को तो मैं सबक सिखाता हूँ। अरे चलो, जो देखो वो मारता ही जा रहा है। अभी मुझे घोस्ट वेपन चाहिए, अब मुझे घोस्ट वेपन चाहिए। बच गया। रुक तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी भाई, आज का दिन क्या है, क्या है आज का दिन? चलो फाइनली ये मारे गए। अभी कुछ लोग रह गए हैं जिनको रिहा कराना है। इसके अंदर ही होंगे मुझे जितना लग रहा है। यहाँ कोई तो नहीं है यार, देख लेते हैं, मर तो नहीं गए? यहाँ भी नहीं है यार। इसके अंदर, उसके अंदर भालू है, इसके अंदर क्या है? लाशें पड़ी हुई हैं क्या? कोई भी नहीं है यार। रुको रिसोर्सेस तो ले लें। स्मोक बॉम्ब पड़ा हुआ है, क्या करेंगे अब स्मोक बॉम्ब का जब जितनी बड़ी जंग खत्म हो गई। आसपास देखते हैं, ढूंढते हैं बंदों को, ढूंढते हैं यार कहाँ चले गए। अच्छा कुछ बंदे यहाँ पे गाना गा रहे थे ना पीछे, वहाँ चलते हैं। रुको रुको रुको, वहाँ पे भी दो हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहीं पर हैं, इनको फ्री कराते हैं। यानी कि अगर ये हमारे साथ होते हो यार, हमें इतना लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। शिट मैन, हमने सारे बंदे अकेले ही मार दिए, ये तरीका ज़्यादा ठीक है। चलो एक मंगोल को डिफीट करना है क्या? अभी मंगोल्स को डिफीट करना है, और मंगोल्स आने वाले हैं लगता है यार। बट मैंने तो सारे मार दिए। चलो चैलेंज दे के देखते हैं कितने आते हैं। कहाँ है? कोई भी नहीं है, एक भी मंगोल नहीं है यहाँ पे आसपास भी। ओ एक मिल गया, एक मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये बच गया होगा यार, ये टावर पे चढ़ा होगा, ये बच गया होगा। चलो फाइनली अब रूजो को सिग्नल देना है ताकि रूजो हमें बचाने आए। अभी क्या था ना, रूजो हमें बचा नहीं सकता था। एक तो इसके साथी कैद थे, उनका मरने का डर रहता। दूसरा क्या है कि हम इतने थे नहीं, लेकिन अब हम छः और सात लोग हो गए। ठीक है, रूजो के पास और पाँच छः और होंगे जो बाहर से हमला करेंगे। हम अंदर से हमला, अरे भाई भागने देना, हम अंदर से हमला करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ से रिसोर्सेज ले लेते हैं। एक मिला, लेदर मिल गया, ठीक है। तो यानी कि अब उनका, मंगोल्स का ना सैंडविच बनने वाला है। सैंडविच ऐसे कि हम अंदर से हमला करने आएंगे और वो लोग बाहर से हमला करने आएंगे हमारे इशारे करने पर। चलो उसको सिग्नल दे देते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में बस जंग चालू होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि बाहर लोग बहुत ज्यादा हैं। ओहो दिवाली, चलो भाई दिवाली तो अब मनेगी। रेडियो? चलो बहुत घमासान युद्ध होने वाला है। भाई साहब मतलब करीब करीब 15 लोग तो खड़े ही हैं जितना लगता है मुझे। अरे भाई 15 से भी ज़्यादा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनको तो मैं ऐसी के तैसी। अरे धमाका भी हो रहा है यहाँ पे तो। अरे इनके बीच में रहना बेकार है, बेकार है। इतने लोग हैं भाई, मेरे को दिख नहीं रहा कि मैं किस पे वार कर रहा हूँ। रुक जाओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी। इनको तो यार धमाके से ही मारा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे तेरी, ये हुआ क्या, हुआ क्या, ये किसने फेंका ये? अरे ये फ्लैक्स, रुक इधर आ, इधर आ। चलो हमें अपने लेवल को और अपग्रेड करना होगा जिस हिसाब से यहाँ पे लड़ाई दिख रही है। अरे किसने फेर फेंक दिया? अबे कौन है ये, आंखों के आगे एकदम उजाला कर देता है। अब कुछ ही लोग बचे, रुक जा रुक जा, इधर आ। अच्छा इसको ये मिलके मारेंगे, ठीक है। इसको मैं मारता हूँ, हेल्प करवाता हूँ, रुक जा। भाई इनका ना, अरे इधर आ,
यार इनका लेवल बहुत ऊंचा है, मतलब ये मंगोल्स का लेवल ना बहुत ऊंचा है। इसको मैं मारता हूँ, पीछे से ही मारता हूँ। आ जा। ओ भाई रूजो को उठा के फेंक दिया सामने वाले ने। चलो कोई बात नहीं, रूजो उसको झेल लेगा। अब देखते हैं आसपास और कोई बंदा बचा है, क्योंकि रूजो के साथ तो बंदे हैं। ओ ये भारी पड़ रहा है भाई, ये भारी पड़ रहा है। रुक जाओ मेरे पास आ। चलो ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो गया। इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा रूजो, इधर। चलो मार ही दिया इसको, मार ही दिया। एक बंदा बचा है। रुको रुको रुको, चार पांच लोगों पे भारी पड़ रहा है ये। अबे क्या है। चलो फाइनली जंग खत्म हुई। We placed bets. How long did it take you to free us? Yeah. I lost. Hope you brought some sake. You're not going to believe this. काफी लोग खुश लग रहे हैं। It doesn't make any sense. अच्छा? What doesn't? My men said the Mongols didn't hurt them. They fed them. Good food too. No wonder they were singing last night. Just be grateful they're safe. Why in all the hells would the Mongols feed them? Maybe they expected something in return. Thank you, Jin. My men. They're everything. भाई मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। अब मंगोल तो मारे जा चुके हैं यहाँ पे जितने भी थे, साथ में हमने रूजो की मदद की थी, जिससे अब क्या हुआ है कि रूजो का और हमारा संबंध अब अटूट हो गया है। उसके बाद अब रूजो हमारी मदद करेगा लॉर्ड शिमरा को बचाने में, और साथ ही साथ अब रूजो के पास फूड और मैन, मतलब उसके आदमी भी हैं। तो अब इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो रूजो की भी पावर बढ़ गई है, हमारी भी पावर बढ़ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।